नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुरेश झा। 16 जनवरी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और वो महत्वपूर्ण इस वजह से है कि पूरे देश में, क्योंकि आज से कोरोना वैक्सीन की लगने की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग आरएमएल अस्पताल में और यहाँ पर हेल्थ वर्कर जिनको टीका लगाया जा रहा है, जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है, उनमें काफ़ी उत्साह है। अभी फिलहाल जिस तरीके से देश भर में जो वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह बना है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी, अपने आप में सोच सकते हैं कि जिनकी कोरोना से डेथ हुई थी, अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि लोगों ने इसमें अपने लोगों को गंवाया था। वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से लगातार कोशिशें कर रही थी और उस वैक्सीन पर आखिरकार काबू पा ही लिया गया, आज से पूरे देश भर में वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। और फिलहाल जो है वैक्सीन की शुरुआत हुई है हेल्थ वर्कर से, हेल्थ वर्करों को जो है वैक्सीन लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के जो लोग हैं अस्पताल में, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं और ये खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही जिस तरीके से आज जो वैक्सीन की शुरुआत हुई है, देश में एक अलग ही लोगों में एक जीने का जज्बा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो लोग अपनों को खो चुके थे, उनमें कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा खौफ बना हुआ था, एक डर बना हुआ था कि इससे कैसे निपटा जा सकेगा, क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे थे, लगातार लोग मर रहे थे और वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। और उससे निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अपने लोगों को खो रहे थे, जो अपने लोगों को गंवा रहे थे, उससे लग रहा था कि वैक्सीन कब आएगा, कब कोरोना पर विजय पाया जाएगा। लेकिन आज इस वैक्सीन के आ जाने के बाद देश में एक अच्छा माहौल बना है, लोगों में उत्साह हुआ है। आइए कुछ बात करेंगे लोगों से और जाने कोशिश करेंगे कि जो वैक्सीन आई उसके बाद से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, खासकर जो हेल्थ वर्करों को जो आज वैक्सीन की शुरुआत हुई है, इसमें क्या कहना है, क्या कहेंगे मैम आप, जो आज आप लोग आए हैं यहाँ पे मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट ने रात दिन काम करके, हमारे डॉक्टर्स ने रात दिन काम कर करके ये वैक्सीन बनाई है, जिससे पूरे ही देश को फ़ायदा होगा, हमारी जनता स्वस्थ रहेगी, हमारा भारत देश हमेशा स्वस्थता में रहेगा। और इसके लिए हम सब मोदी गवर्नमेंट का, माननीय मोदी जी का, उनके कैबिनेट का और अपने हर्षवर्धन जी का हम स्पेशली रूप से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने भारत की जनता के लिए रात दिन काम करा और जिससे उनको सब स्वस्थ रह पाएंगे। जो हमारे वैज्ञानिक है जिन्होंने बनाया, उनको भी थोड़ा धन्यवाद दे दीजिए आप। वैज्ञानिकों को भी पूरा धन्यवाद है, उन सब ने रात दिन काम किया है, सारा जिन लोगों ने, जिन्होंने भी इसमें योगदान किया है, भारत देश उन सबका ऋणी रहेगा। मैम मिठाई भी है इसमें या खाली है इसके अंदर? ये मिठाई है, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए है, जनता के लिए है कि मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सानिध्य में हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने पुरजोर मेहनत करके सही मायने में सेनानियों का, कोरोना वॉरियर्स जो हम उन्हें कहते हैं, कोरोना योद्धा, उनका रूप अदा किया है, हमारे लिए फरिश्ता समान है। और लोगों में एक जो एक खौफ बना हुआ था, डर बना हुआ था कि कोरोना से कैसे निपटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो उम्मीद नहीं थी कि इसकी वैक्सीन आ भी पाएगी, लेकिन आज वैक्सीन जैसे आई है तो क्या लगता है कि लोगों में एक अच्छा माहौल बनेगा, लोगों में एक जज्बा आएगा वैक्सीन आ जाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब गलत फहमी जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बेकार है और बहुत अच्छा वैक्सीन काम करेगा। और हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, हर्षवर्धन जी का, अपने वैज्ञानिकों का, और हमारा देश बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है और दुनिया हमें बहुत अच्छे नज़र से देख रही है। धन्यवाद। क्या कहेंगे वैक्सीन को लेकर, अच्छी शुरुआत हुई है? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि इस बीमारी से अब हम सभी राहत पाएंगे, फाइनली ये मास्क उतर जाएंगे और हम सब एक खुली सांस में अच्छे से पहले की तरह जी पाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हमारे वैज्ञानिकों का और मोदी सरकार का, धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो कोरोना की वजह से पूरे देश में जो माहौल बन चुका था, लोगों में बहुत डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, लोग जो है करीब देख रहा होगा अपने लोग घरों में कैद थे, लेकिन आज जो वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों में उत्साह आया है? जी मैं ठीक कह रहे हैं आप, लोगों में बहुत उत्साह है और मोदी हैं तो मुमकिन है। ये चीज़ों का बहुत तगड़ा नारा हमारे बीजेपी महिलाओं ने लगाया और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी धन्यवाद करते हैं और अपने पीएम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं जो ये वैक्सीन लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया बात है, इन सभी में उत्साह है जिस तरीके से वैक्सीन की बात आने के बाद से लोग उत्साह। मैम आपने कहा कि डेथ ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन डेथ हुई भी है, ये तो मानती है आप? जिन लोग, जो लोग अपने को, जिन्होंने खोया है,
इस कोरोना कोरोना सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए पहले मेरी बात सुनिए मैडम मेरे सवाल सुनिए उसका जवाब दीजिए। मैं यहाँ सवाल करने आया हूँ और जवाब आपसे लेने के लिए। कोरोना वैक्सीन के आ जाने के बाद क्या अब लोगों के अंदर एक डर जो था, एक खौफ का माहौल था, उससे उबर पाएंगे अब लोग? लोग उबर पाएंगे, बिल्कुल उबर पाएंगे, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा और उबर पाएंगे। और जहां आपने बात कही है कि अपनों को खोने की, इस बात को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता क्योंकि मैंने अपने पिताजी को खोया है कोरोना से, फिर भी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ इस वैक्सीन के शुभारंभ के दिन पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विश्वास है हमें कि ये जो वैक्सीन आई है ये बहुत ही कारगर होगी और भारत जो है उसका झंडा पूरे दुनिया में फैलेगा और मोदी जी को हम बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है कि वैक्सीन आ जाने के बाद से जो है, मैम क्या कहेंगी जो वैक्सीन की जो शुरुआत हुई आज से, देश में खुशी का माहौल है, कोरोना की महामारी के दौरान जिस जो माहौल बना था उससे लोग उबर पाएंगे आप? हमें गर्व है कि कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन भारतीय वैक्सीन है और मुझे तो ये भी कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो कंपनी है, दो वैक्सीनेशंस में से एक, उसमें मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं। हाँ, तो कोरोना जैसी महामारी के लिए जो इंजेक्शन है वो भारतीय है और ये पूरे विश्व में, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि ये मेड इन इंडिया है। कोरोना वैक्सीन मेड इन इंडिया है और आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है उससे काफ़ी अच्छा माहौल बना और लोग ये चाहते भी थे कि वैक्सीन आए और उसके बाद से लोग कोरोना से निजात पाएं, तो एक पहली शुरुआत है और यही यकीन लोग कर रहे हैं कि इससे लोग कोरोना पर विजय जोर प्राप्त करेंगे। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, ABN News दिल्ली।